प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताने वाले हैं शदीद उल्टी का आसान इलाज। चाहे वो छोटे बच्चे हों, नन्हे मुन्ने बच्चे हों, और नौजवान अफराद हों या बूढ़े अफराद हों, सबके लिए यकसा मुफीद, इंतहाई आसान और इंतहाई बेहतरीन चीज़ है। ये कहानी है तकरीबन 5 साल पुरानी। मैं अपने मतलब में मौजूद था। मेरे पास एक माँ आती है अपने 5 साल के बच्ची को लेकर। उसे इस कदर शदीद उल्टी था कि किसी भी दवा से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास आई तो मैंने भी एंटी एमिटिक और डाइजेस्टिव अद्वियात उन्हें थमा कर वापस कर दिया और कहा ये खिलाएं पिलाएं और वापस ले आएँ, फिर देखते हैं कि आपको कितना फ़ायदा होता है। एक हफ्ते बाद दोबारा आती हैं और वो कहती हैं कि हकीम साहब, उल्टी में कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टी तो बढ़ती चली गई, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारी अद्वियात बेकार हैं और आपके अलावा हम 10 से 15 डॉक्टर हजरात के पास भी गए हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास, और उन्होंने भी सारे अद्वियात आजमा लिए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अब दोबारा मैंने उन्हें अद्वियात दिए और वापस कर दिया। मुझे तकरीबन वो औरत मिलती है 15 दिनों के बाद। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि अब बच्ची की तबीयत कैसी है। वो कहती हैं कि हकीम साहब, बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मगर आपकी दवा में नहीं, और किसी भी डॉक्टर की कोई दवा हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई, सारी बेकार की दवाएँ हैं। हमारे घर में एक बुढ़िया रहती हैं, बूढ़ी अम्मा, दादी अम्मा ने हमें बताया कि हमारे बच्चे जब बीमार पड़ते थे तो हम एक छोटा सा टोटका हम इस्तेमाल करते थे उनमें, और बहुत अच्छी तरह से उल्टी ख़त्म हो जाती थी। क्यों ना आप उसे एक मरतबा आजमा लें। तो बूढ़ी अम्मा ने मुझे बताया कि आप फीकी छालियाँ ले आएँ और इलायची ले आएँ। अब बूढ़ी अम्मा ने अंदाजे से बता दिया कि फीकी छालियों के बड़े बड़े 5-6 टुकड़े आप डालें, इसमें 4-5 इलायची डालें और 1 कप पानी में से अच्छी तरह से बॉयल कर लें। अब इसे फ़िल्टर करें। अब बच्ची को आहिस्ता आहिस्ता पिलाना शुरू करें, एक गेक घूंट करके। आप यकीन जानिए, वो औरत कहती हैं कि हकीम साहब, 1 कप पिलाने के बाद, जो कि 15 दिनों तक उल्टी थम नहीं रही थी, 1 कप पिलाने के बाद उनकी उल्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमने फिर उस बच्ची को एहतियातन 1 से 2 दिन पिलाया और जड़ से उल्टी ख़त्म हो गई, जो कि 15 दिनों से उल्टी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो हकीम साहब, ये छोटा सा टोटका हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हमने इसको पाया है। तो मैंने चाहा कि क्यों ना ये आपको बताऊं, खासकर छोटे बच्चे बच्चियाँ, उनमें उल्टी बहुत ज़्यादा रहती है, उनका डाइजेशन बहुत कमज़ोर होता है और उसमें कोई दवा फ़ायदा नहीं करती, तो उसके लिए ये तीर बहदफ इलाज है। उसके बाद बहुत सी माएँ जिनको उल्टी बहुत ज़्यादा तंग करती है दौरान प्रेगनेंसी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और जो जो अफराद जिसको उल्टी तंग करती है, वो इस दवा को ज़रूर आजमाएं। बेहतरीन एंटी एमिटिक दवा है, बेहतरीन डाइजेस्टिव दवा है, दवा नहीं बल्कि एक होम रेमेडी है, एक अच्छा सा टोटका है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं देखने में आएंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मज़ीद इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ आप देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कार्य खैर में शामिल होना चाहें तो इस वीडियो को शेयर लाजमन कर दें। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।